एगो बुढ़िया माई रहली, उनको चार गो बेटा चार गो पतोह रहेलू। तो तीन गो पतोहिया तो शिव चर्चा के नाम सुनते उ झनक जात रहली सा। छोटकी पतोही आ बुढ़ियो माने शिव चर्चा रोज कहेलो रोज सुनेलो। तो बूढ़ी उनको छोटकी पतोहिया घर में शिव चर्चा कहवावत रहेलो। तो बड़की कहती है मझली से कि रोज इनका शिव चर्चा के मारे हमार मन उगता गल बा, चले कोने दुआरी पर बैठल जाओ। उ तीनों जाके दुआरी पर जाके बैठ गई सब। तले शिव जी साधु के भेष धके आने कहता नहीं कि हमरा बहुत जोर से भूख लागल बा, कुछ खाए के दो लो। तो बड़की पतोहिया कहती है एगो तो हमरा हमने के शिव चर्चा से मन उगताइल बा, आया के जब बैठल बने सन तले ई आ गइलन कि हमरा के कुछ खाए के दो लो, लिय झाड़ू इनका के माने मारलिय। बड़की कहती है मछली से, मछली ली आयल तीनों मिल के, बड़की मछली सझली तीनों मिल के उस साधु के मारते मारते कुछ दूर पहुँचा दिली सन बगीचा मेले। तो उन्हें गली सन तो उ तो शंकर जी रहल, तो शंकर जी का कहनी तीनों के भैंस बना दहन। आ भैंस बना के आ चरावत रहनी उन्हें। तले शिव चर्चा खत संपूर्ण हो गए तो बूढ़ी सब केहू के प्रसादी बाँट उठ दिली। तो कहतारी कि हमार तीनों पतोहिया नखी से लौक तो कहीं कि अहाँ गली सन कहीं कि हम के प्रसादी देती। जब घर से बहरी निकलली पूछली केहू केहू से कि हमार पतोहिया के देखलू हलू, हमार तीनों पतोहिया के देखलू हलू। तो वही में एगो मेहरारू कहलक हम तो देखनी एगो साधु बाबा के तीनों पतोहिया रहू झाड़ू से मारते मारते वो बगीचा में ले गई बड़ी सब। तो बूढ़ियों गईली बगीचा में तो देखा तारी कि साधु बाबा वो जबा रहन आ तीनों तीन गो भैंस चरावत रहन। तो साधु बाबा से पूछा ली कि ये साधु बाबा हमारा इन्हें तीन गो पतोहिया सन के देख नहीं हो। तो साधु बाबा कहलन कि हाँ हम तो देख नहीं हो, पहले बताओ कि चराचवा करौलू हो शिव चर्चावा तो तारा नीक लागल हो। तो बूढ़ियों कहली शिव चर्चा कहवाए में तो बड़ा निक लगेला, बहुत अच्छा लगेला, सुनहू में अच्छा लगेला, कहूँ में अच्छा लगेला। साधु बाबा का कोईनी अपन शंकर जी के रूप में आ गईनी, शंकर जी के रूप में आ गईनी आ कहनी कि हम तो गईनी हाँ कि तनी हमरा भूख लगल बा खाए के दो लो। तो तीनों तरफ तो हमरा के झाड़ू से मारते मारते बगीचा में लेके अली है सर और कहने के तीनों के हम भैंस बना दिले बनी। तो बूढ़िए तो गोर लगे लगली अर्जी विनती करे लगली कि ओखने के मने फिर आदमी बना दी, गलती हो गल गलती के क्षमा करी। तो शंकर जी कहने कि है लो अछत आ तीनों जब तहार बेटा मोहन सन तो ओकनिए के सामने ओकनिए के हाथ में दीह अछत आ कि ले जाके खियाओ सन अपना अपना मेहरारू के तो भैंस से आदमी हो जाए हन सन। तो बूढ़ी हाँकत हाँकत ली अली तीनों भैंसिया सन के, बड़की के बड़की घरवा में, बड़की के घरवा में मझली के, मझली के घरवा में आ सझली के घरवा में बांध दहली। जब साँझ भल बेटा तीनों अलन सा काम को के तो पूछत रह सन कि ए माई तोर बड़की पतोहिया कहाँ बिया। तो माई कहली कि घरे में तो बिया। तो घरवा में गोल बेटवा देखे तो कहती है कि कहता कि ए माई तो भैंस ही। तो माई कहली कि उहे रू तोर मौगी ही तले मझिला आव। तो वो पूछता ए माई मझली कहाँ बिया। तो माई कहली घरे में नु बिया। तो वो जाता घरे में देखे तो देख तो भैंस ही। तो कहता कि माई रे तो भैंस ही तो उहे नु तोहर मौगी ही। तले सझिला आव तो वो पूछता कि माई रे पतोहिया तोर कहाँ गल बिया। तो माई कहली घरे में तो बिया। तो वो जाके देखता तो भैंस ही। तो वो कहता कि माई रे में तो भैंस बांधल बा। तो माई कहली कि उहे नु तोहर मौगी ही। माई सब खिस्सा माने तीनों बेटा सन से कहली। तो बेटा कहता सन माई रे कने कि वहीं रहे दे, भैंसे बनल रहे दे, जैसन करनी वैसन भरनी, अब हमनियों के छुटकारा मिल जाए। ओकनी के कमा के खियावे खातिर बहुत ओकनी के ये माने
अत्याचार कैले रही हसन छोर गण के भैंसे बनने रह दे। माई कहली कि जाए दलो इंसान से गलती हो जाला, हर एक इंसान से एगो गलती होला, गलती के क्षमा कर लो, लो लो अछत आ ले जाके तीनों जना खियाव लो। तीनों जना अपना अपना मेहरारी को खियौलक लो भैंसिया के, तब भैंसिया फेन आदमी हो गई सन। तो भाई आदमी जब हो गई सन तो दौड़ के जाके गोतनी के सास के गोर पर गिर गई सन कि अब हमरा के क्षमा करी, आज से गलती ना हुई। और ओकरा बाद वो तीनों मिल के उहो लगली से शिव चर्चा भजन करे। यही जा कथा समाप्त। कथा अच्छा लगे तो लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब करम।